हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू एलके एकेडमी। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज सेफ एंड डूइंग वेल एट योर होम। आई होप योर फैमिली इज़ ऑल्सो सेफ एंड डूइंग वेल। सो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मौसम में बदलाव होता हुआ आपको दिख रहा होगा, तो इन दिस सिचुएशन जस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर हेल्थ। आई एम सेइंग दिस बिकॉज माई हेल्थ इज़ not good for last 2-3 days, so that's why I'm telling you to take precautions, especially for your parents, your grandparents, and for yourself, right? Because in healthy body, a healthy mind stays. तो जब तक अगर आप हेल्दी नहीं होगे तो आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो वो टाइम आपका वेस्ट होता जाएगा, एंड यू डू नॉट वॉन्ट दैट, राइट? सो माई सजेशन वुड बी टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर हेल्थ। इसी के साथ आज हमारा पहला जो करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करेंगे, एंड फर्स्ट एज पर आवर रिचुअल वी विल रीड सम इंस्पिरेशनल कोट। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट है आपके लिए आपके स्क्रीन के ऊपर, सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग, सेक्रीफाइस, एंड मोस्ट ऑफ ऑल लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू, राइट? तो आप हार्ड वर्क के बिना आपका गोल हासिल नहीं कर पाओगे। यू हैव टू वर्क हार्ड। जब आपने कोई फॉर्म भरा होगा एग्जामिनेशन का, तो आपको पता ही होगा कि आपके साथ और 4 लाख या 5 लाख बच्चे आपके साथ एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, उन 4-5 लाख लोगों से अलग आपको क्या करना है जो कि आपको मेरिट लिस्ट में प्लेस करेगा। नेक्स्ट इज परसिवरेंस, कितनी लगन से, कितने खंत से आप मेहनत करते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लर्निंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कई बार हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि जो चैप्टर या जो टॉपिक उनको आता है, जो उनका ट्रेजेक्टरी है, वहीं पे वो लोग खेलते रहेंगे, उसको ही बार बार रिवाइज करते रहेंगे, और फिर बोलेंगे कि आज मैंने 6 घंटा पढ़ाई की, 8 घंटा पढ़ाएगी। अरे मेरे भाई, 2+2=4 होता है, वो तो हमें पता ही है, वो मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो भी मैं नहीं भूलने वाला हूँ। बट 2:2:2:2 का क्या आंसर होगा, दैट इज नॉट नोन टू मी, वो मुझे सीखना पड़ेगा। तो वो जब एग्जाम में आएगा और वो मैंने सीखा होगा तो दैट विल हेल्प मी। तो जो नहीं आता है, जो आपका वीक पोर्शन है, जो आपका वीक टॉपिक है, वीक सेक्शन है, उसको ट्राई टू स्ट्रेंथन इट। नेक्स्ट इज स्टडिंग, सेक्रीफाइस, एंड मोस्ट ऑफ ऑल द लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू। तो व्हेन वी हैव साइंड इन फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, वी ऑलरेडी न्यू कि हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कोविड के बाद देर आर लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर यू गाइज, फॉर एवरी वन, राइट? इन एवरी सेक्टर, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं होगी। तो कॉम्पिटिशन जीतेगा कौन? जो लायक होगा, जिसने मेहनत की होगी। लायक सब कोई है, बट जिसने मेहनत की होगी अच्छे ढंग से, हार्ड वर्क विथ अ स्मार्ट वर्क इज अ की टू सक्सेस। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। इसी के साथ आज का हमारा पहला टॉपिक जो है, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड इट इज नोबेल प्राइज फॉर साइकोलॉजी और मेडिसिन फॉर 2020। तो पिछले 4-5 दिनों में अगर आपने न्यूज़ फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा, और जब मैं न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो नॉट द न्यूज़ चैनल्स दैट वी आर सीइंग दीज डेज। रिया चक्रवर्ती सीबीआई में गई या कंगना रनौत की ऑफिस को तोड़ा गया, कोई चीज़ आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली है, ओके? या तो लोकसभा चैनल देखिए या राज्यसभा टीवी चैनल देखिए, रेडियो सुनिए, जो गवर्नमेंट न्यूज़ सेंट्रल रेडियो स्टेशन से जो न्यूज़ आते हैं एवरीडे, और बाकी हमारे पास प्रिंट मीडिया तो है ही, तो न्यूज़पेपर से आपके नोट बनाते रहिए। सो नोबेल प्राइज़ के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 1901 से नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। एक ट्रस्ट बनाया गया है जो कि डिसाइड करेगा कि किसको क्या प्राइज़ मिलेगा। सो अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक केमिस्ट थे, इन्वेंटर थे, उनकी याद में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। बेसिकली उन्होंने
डायनेमाइट की खोज की थी। अब जब डायनेमाइट की खोज की उन्होंने, तो वो काफ़ी खुश हो गए कि दुनिया को काफ़ी काम आएगी ये चीज़। बट जब वो अलग अलग देशों को वो डायनेमाइट की खोज के बारे में पता चला, तो उन्होंने पीस को छोड़कर वॉर के लिए वो डायनेमाइट का इस्तेमाल करना ठीक समझा। तो गिल्ट में आकर अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो एक ट्रस्ट के नाम कर दी, और उस ट्रस्ट को ये गाइडेंस दिया गया कि आने वाले सालों में जो सोसाइटी को बेहतर बनाने वाली जो भी डिस्कवरीज होगी, इन दी 5 कैटेगरीज, इनिशियली 6th कैटेगरी वॉज एडेड लेटर ऑन, तो इन 5 क्षेत्र में, 5 फील्ड में दुनिया को बेहतर जगह बनाने वाली जो भी डिस्कवरीज होगी, उनके जो रिसर्चर्स हैं उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए। एंड इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। नोबेल्स प्राइज से ऊपर इस दुनिया में और कोई अवार्ड नहीं है। सो पहली कैटे 6 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज साइकोलॉजी मेडिसिन, नेक्स्ट इज फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन पीस, देन लिटरेचर, एंड द लास्ट कैटेगरी इज इकोनॉमिक साइंस। इकोनॉमिक साइंस को लेट 60s में जोड़ा गया विथ द नोबेल प्राइजेस, तो उसका जो प्राइज नेम है वो भी अलग है। इन लेटर स्लाइड्स वी विल सी दैट, बट आपको ये याद रखना है कि इकोनॉमिक साइंसेस की जो कैटेगरी है वो 1968 में नोबेल प्राइज के साथ जुड़ी गई, और मैथमेटिक्स के लिए देर इज नो कैटेगरी फॉर नोबेल प्राइज। तो मैथमेटिक्स के फील्ड में आपको कोई नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? बिकॉज देर इज नो कैटेगरी फॉर मैथमेटिक्स फील्ड इन नोबेल प्राइज। स्टार्ट करेंगे सो अमेरिकन्स, और जब भी हम नोबेल प्राइज की बात करेंगे, नेशनैलिटी इज दी इम्पॉर्टेंट थिंग। तो जहाँ जहाँ किसी इंसान की बात हो, तो वहाँ पे आपको उसकी नेशनैलिटी तुरंत याद होनी चाहिए। अगर पास्ट की हम बात करेंगे, तो उसकी नेशनैलिटी को आपको साथ में लिंक कर देना है। और पूरा नोबेल प्राइज़ के टॉपिक को आपको इंडिया के साथ तो जोड़ना ही जोड़ना है कि इंडिया में कितने लोगों को अब तक नोबेल प्राइज़ मिला है, कौन सी फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है, हाउ मेनी वीमेन आर देयर जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, गुजरात से कोई है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, ये सारी सारी चीज़ों का आपको एक लिस्ट बना लीजिए, एक टेबुलर फॉर्म प्रिपेयर कर लीजिए, एंड ऑल योर आंसर्स विल बी इन दैट सिंगुलर टेबल। सो अमेरिकन्स हार्वी जे ऑल्टर एंड चार्ल्स एम राइस, तो 2 अमेरिकन नेशनैलिटी के लोग हैं, दोज आर हार्वी ऑल्टर एंड चार्ल्स राइस। एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल ह्यूक्टन वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन एंड साइकोलॉजी 2020 फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हिपेटाइटिस सी वायरस। सो हिपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी करने के लिए इन 3 लोगों को, 2 फ्रॉम द अमेरिकन नेशनैलिटी एंड 1 फ्रॉम द ब्रिटिश नेशनैलिटी, उन्हें साइकोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। द हिपेटाइटिस सी वायरस वॉज डिस्कवर्ड इन 1982 बाई स्क्रीनिंग मिलियंस ऑफ डीएनए सैंपल्स। द नोबेल अवार्ड कम्स विथ अ गोल्ड मेडल। क्या क्या दिया जाता है नोबेल अवार्ड के तौर पर? तो आपको दिया जाएगा, जो विजेता होंगे उसको दिया जाएगा एक गोल्ड मेडल एंड अ प्राइज मनी ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर। नाउ क्रोनोर इज दी करेंसी ऑफ स्वीडन। तो बेसिकली ये जो ट्रस्ट है वो कहाँ बैठता है? स्वीडन में बैठता है। एंड देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक साइंस के लिए, पीस के लिए, अलग अलग देर आर एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स जो कि डिसाइड करेंगे कि भाई इतने नॉमिनेशन है हमारे पास, और इन नॉमिनेशन में से इस साल के लिए इनको हमें ये पर्टिकुलर प्राइज देना है, एंड दे हैव टू जस्टिफाई कि भाई क्यों उनको ये प्राइज दिया गया है। सो हार्वी ऑल्टर, चार्ल्स राइस फ्रॉम यूएसए एंड माइकल ह्यूक्टन फ्रॉम ब्रिटेन को टू डिस्कवर द हिपेटाइटिस सी वायरस 2020 का मेडिसिन और साइकोलॉजी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मेडिसिन और साइकोलॉजी, एवरी टाइम यही आपका कैटेगरी होगा, मेडिसिन और साइकोलॉजी। देर इज नो डिफरेंट कैटेगरीज फॉर मेडिसिन और साइकोलॉजी, इट इज मेडिसिन और साइकोलॉजी, इट्स एन एंटायर नेम। नाउ व्हाट इज हिपेटाइटिस? हिपेटाइटिस रिफर्स टू एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर। इंडिया में
ओवरऑल ऑल ऑफ डिजीज, हिपेटाइटिस बी इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द डेथ्स थ्रू डिजीजेज एंड आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग हार्डली टू इनकर दैट कि कैसे हिपेटाइटिस बी को क्योर किया जा सके. एंड नाउ फॉर हिपेटाइटिस बी द वैक्सीनेशन इज अवेलेबल. सो हमारे इंद्रधनुष 2.0 जो प्रोग्राम है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसमें हिपेटाइटिस बी को जोड़ दिया गया है ताकि सबको हिपेटाइटिस बी से मुक्त कराया जा सके बाय 2030. बट हिपेटाइटिस सी के लिए, देखिए 1982 में हिपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर कर लिया गया था, बट टिल नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स वी डू नॉट हैव द वैक्सीनेशन फॉर दैट. ओके, एंड टुडे देर आर मल्टीपल एजेंसीज, दोज आर क्लेमिंग बाई बाई एंड ऑफ 2020 और 2021 वी विल बी हैविंग द कोरोना वैक्सीनेशन, बट दैट इज़ नॉट फॉर श्योर, दैट इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन. जब उसका ह्यूमन ट्रायल होगा तो ह्यूमन ट्रायल हो सकता है कि सक्सेसफुल ना भी हो. अगर ऐसा होता है तो वी विल हैव टू वेट फॉर द राइट वैक्सीनेशन टू अराइव, राइट वैक्सीन टू अराइव. एंड टिल दैट टाइम वी डू नॉट नो हाउ मच दैट टाइम विल बी. सो टिल दैट टाइम दिस इज द नॉर्म. वी हैव टू सैनिटाइज आवर सेल्फ, सैनिटाइज आवर हैंड्स, मास्क पहन के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, ऑल दोज थिंग्स वी हैव टू फॉलो. सो हिपेटाइटिस क्या है? लीवर से जुड़ी हुई एक बीमारी है, वो लीवर को धीरे धीरे डैमेज कर देगी. इट्स कॉमनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, बट देर आर अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ हिपेटाइटिस लाइक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस, मेडिकेशंस, ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल. बेसिकली देर आर 5 मेन हिपेटाइटिस वायरसेस रिफर्ड एज टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई. सो A, D and E are minor kind of hepatitis. In India and all over the world, hepatitis B and hepatitis C are the major contributors to the deaths through hepatitis, basically. World Hepatitis Day is observed each year on 28th of July to enhance awareness of viral hepatitis. तो ये तीन लोगों को for discovery of hepatitis C virus ये अवार्ड दिया गया है. दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, एक्चुअल फोटोज, दिस आर द एनिमेटेड फोटोज विच इज एक्चुअली पब्लिश्ड बाय नोबेल कमिटीज. हिपेटाइटिस सी क्या है? सो हिपेटाइटिस सी कॉज्ड बाय द हिपेटाइटिस सी वायरस. इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड्स, टिपिकली थ्रू इंजेक्शन, ड्रग यूज एंड सेक्शुअल कॉन्टेक्ट. किस तरीके से वो फैलेगा? According to the World Health Organization, about 71 million people in the world have chronic infection with hepatitis C virus, which is also a major cause of liver cancer. तो liver cancer का जो एक major cause है, that is hepatitis C virus, a vaccine for the disease has still not been developed, but it can be treated with the help of antiviral drugs. देखिए ये तो कितना पुराना virus है, right? 30 years पुराना virus है. उसके बारे में 71 मिलियन लोगों को, मान लीजिए अगर होता भी है या अब तक हो चुका है, तो वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल बॉडीज टू टेस्ट द वायरस, टू टेस्ट द वैक्सीन, बट स्टिल वी डू नॉट हैव द वैक्सीन फॉर दैट. और कोरोना वायरस इज अल्ट्रा न्यू वायरस, आज तक हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई वायरस हो सकता है. एंड स्टिल वी आर, ह्यूमन रेस इज ट्राइंग दैट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम दिस वायरस इन फ्यूचर. सो हिपेटाइटिस इन इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, 40 मिलियन पीपल आर क्रॉनिकली इन्फेक्टेड विथ हिपेटाइटिस बी वायरस एंड 6 to 12 मिलियन विथ हिपेटाइटिस सी वायरस. इन 2018 द नेशनल वायरल हिपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड विद द एम टू एलिमिनेट हिपेटाइटिस सी बाय 2030. देखिए बाय 2030 हमें हिपेटाइटिस सी को भी ख़त्म करना है, हिपेटाइटिस बी को भी ख़त्म करना है, ट्यूबरक्यूलोसिस दैट इज टीबी को भी ख़त्म करना है और मलेरिया को भी ख़त्म करना है. एंड दैट इज़ द गाइडलाइंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस. जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें इंडिया ने इसके ऊपर साइन किया है कि वी विल ट्राई एवरीथिंग टू एलिमिनेट दिस डिजीजेज बाय 2030. बट क्योंकि नाउ देर आर एक या दो साल हमारे पेंडेमिक या उसकी इफेक्ट में से बाहर आने से ही चले जाएंगे, एंड देर आर वर्स्ट काइंड ऑफ इफेक्ट
ऑन वेरियस कंट्रीज, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले सालों में आपको ये पता चले, आज से 2 या 3 साल बाद या 4 साल बाद, कि यूनाइटेड नेशंस ये डिक्लेयर कर रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, जो सब कंट्रीज को, यूनाइटेड नेशंस को बाय 2030 अचीव करने थे, उसकी लिमिट बढ़ाकर 2040 या 2050 भी कर दी जाए, 10 साल, 15 साल या 20 साल भी उसको बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ कंट्रीज आर देयर इन विच आर नॉट इन पोजिशन टू स्पेंड दी अमाउंट ऑफ मनी ऑन दीज काइंड ऑफ हेल्थ केयर. ओके, उनके पास जो पैसा है वो उनको पहले इकोनॉमी को रिवाइव करने में लगाना पड़ेगा, आफ्टर दैट हेल्थ केयर, एजुकेशन, हंगर, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा. एट दी एंड सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है, तो जब तक इकोनॉमी ढंग से नहीं होगी, ग्लोबल इकोनॉमी या डोमेस्टिक इकोनॉमी, तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में कोई ध्यान देने वाला नहीं है. तो हो सकता है कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनको जो लिमिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, उसको पीछे कर दिया जाए. ओके, अगेन कमिंग बैक टू हिपेटाइटिस सी एंड बी, सो हिपेटाइटिस बी इज इंक्लूडेड अंडर इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इंद्रधनुष 2.0 में ऑलरेडी हिपेटाइटिस बी सहित 12 ऐसी वैक्सीन है जिसको इंक्लूड कर दिया गया है. इंडिया में ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ तक हेल्थ केयर नहीं पहुँच पाता, या जो लोग वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर दी इंद्रधनुष 2.0 प्रोग्राम इम्यूनाइज किया जाएगा. सो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट टोटल ऑफ 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज. वी ऑलरेडी हैव द लिस्ट प्रिपेयर्ड, जस्ट अपनी नोट्स के पन्ने पलटाए. आपको इंद्रधनुष 2.0 कुछ महीने पहले हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था, सारे डिजीज के साथ वो आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए. द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेस्ड वैक्सीन फॉर हिपेटाइटिस बी इन्फेक्शन वॉज मेड इन इंडिया बाय हैदराबाद बेस्ड शांता बायोटेक. तो ये था हमारा हिपेटाइटिस सी और उसके नोबेल प्राइज़ के बारे में. नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी, दैट इज़ नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स 2020, और ये कैटेगरी है आपकी फिजिक्स की, भौतिक शास्त्र जिसे हम कहेंगे. सो द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स फॉर द ईयर 2020 वॉज अवॉर्डेड टू 3 एस्ट्रोफिजिसिस्ट. एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मतलब क्या है? जो अवकाश में, स्पेस में फिजिक्स की थियोरीज को जांचेगा या स्पेस में फिजिक्स की थियोरीज को रिलेट करेगा, दैट इज नोन एज एस्ट्रोफिजिसिस्ट. सो ऐसे 3 एस्ट्रोफिजिसिस्ट को 2020 का फिजिक्स नोबेल प्राइज दिया गया है. फर्स्ट वन इज रोजर पेनरोज फ्रॉम द यूके, यूके से है रोजर पेनरोज. एंड तो ये 50% प्राइज रोजर पेनरोज को दिया गया है. जॉइंटली भी नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ये चीज़ मैं आपको एक बार बता दूँ कि जॉइंटली भी नोबेल प्राइज दिए जा सकते हैं. सो 50% हिस्सा, आधा हिस्सा रोजर पेनरोज को दिया जाएगा और बाकी का आधा हिस्सा नोबेल प्राइज का रेनहार्ड गेंजेल फ्रॉम जर्मनी एंड एंड्रिया गेज फ्रॉम द यूएसए की टीम को दिया जाएगा. अंडरस्टूड? यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा. 50% जाएगा टू रॉजर पेनरोज एंड अदर 50% विल गो टू रेनहार्ड गेंजेल फ्रॉम जर्मनी एंड एंड्रिया गेज फ्रॉम यूएसए. ओके, नाउ फन फैक्ट अबाउट एंड्रिया गेज इज, ये एक महिला है और ये मात्र चौथी महिला है आज तक पिछले 120 सालों में, 1901 से लेकर 2020 तक, जब से फिजिक्स में नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया, ये सिर्फ चौथी महिला है जिनको फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला हो. ओके, 120 सालों में चौथी महिला. नाउ यू कैन इमेजिन के हाउ मच डिस्क्रिमिनेशन इज देयर. और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ऐसा नहीं है कि नोबेल कमिटी या जो पीपल जो डिसाइड करते हैं वहाँ पे है. दोज गाइज डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वेमेन. ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे है? ऑन ग्राउंड लेवल इन सोसाइटी. जब किसी महिला को स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा तो वो कैसे कोई रिसर्च करके नोबेल प्राइज तक पहुंच पाएगी? उसको जो
फैसिलिटीज चाहिए फॉर रिसर्च, जो फंड चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए, वो जब गवर्नमेंट या सोसाइटी उसको देगी नहीं, तो नोबेल प्राइज बहुत दूर की बात है. सो दैट जेंडर डिस्पेरिटी इज ऑन द ग्राउंड लेवल एंड नॉट एट द अपर लेवल. ओके, जब ग्राउंड लेवल को क्लियर कर दिया जाएगा, उसको सुधार दिया जाएगा, और ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट जो है वो आपको अपर लेवल पे देखने को मिल जाएगा. राइट, तो अगेन डिटेल में उसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे. सो दीज आर ऑल दोज थ्री गाइज. तो रॉजर पेनरोज, जिसके हिस्से में 50% फिजिक्स का नोबेल प्राइज जाएगा, क्यों उनको ये प्राइज दिया गया है? क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया है, फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इन अ इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को उन्होंने ब्लैक होल के साथ जोड़ा है इन स्पेस. कैसे स्पेस में ब्लैक होल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ लिंक होगा, उनका रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया, एंड दैट्स वाई दी नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इज गिवन टू हिम. नेक्स्ट इज रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज. गेंजेल जो है दैट इज फ्रॉम जर्मनी एंड एंड्रिया गेज फ्रॉम यूएसए. नाउ उनको क्यों ये प्राइज दिया गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी. तो सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? दैट इज अ ब्लैक होल. तो ब्लैक होल का सेंटर जो है, इनका रिसर्च ये बताता है कि ब्लैक होल के सेंटर में जैसे ही आप जाओगे, वहाँ पे फिजिक्स का कोई लॉ आपका अप्लाई नहीं करेगा. वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें अभी तक पता ही नहीं है. अब ब्लैक होल क्या है? सो ब्लैक होल इज अ इमेजिनरी मैटर कि जिसके आसपास हमारी जो जितनी भी नोन गैलेक्सीज है वो सारी उसके आसपास सर्क्यूलर फॉर्म में घूमती है. जैसे हम सूर्य के आसपास मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, जो 8 प्लैनेट है वो घूमेंगे, उसी तरह से देर आर एक्स नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. तो वो जितनी भी गैलेक्सीज है वो सारी एक ब्लैक होल के आसपास घूम रही है, और उस ब्लैक होल के अंदर अगर आप चले जाओगे, देर इज नथिंग, देर इज जीरो, देर इज ब्लैंक. तो वो जो रिसर्च है वो इन लोगों ने किया है. तो इन तीनों लोगों को कंबाइनली नोबेल प्राइज दिया गया है 50-50%. रॉजर पेनरोज को जाएगा 50% एंड गेंजेल और गेस को जाएगा दी अदर हाफ ऑफ दी नोबेल प्राइज. सो रॉजर पेनरोज रिसीव्ड हाफ ऑफ दिस ईयर्स प्राइज फॉर द डिस्कवरी दैट अ ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. ब्लैक होल्स वर वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट एक्सट्रीम प्रेडिक्शंस ऑफ आइंस्टाइन्स जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी विच केम इन 1915. द थियोरी एक्सप्लेन्स ग्रेविटी एज ऑब्जेक्ट्स ट्राई टू फॉलो अ स्ट्रेट लाइन थ्रू अ यूनिवर्स हुज ज्योमेट्री इज रैप्ड बाय मैटर एंड एनर्जी एंड दैट इज द ब्लैक होल. एज अ रिजल्ट प्लैनेट्स एज वेल एज लाइट बीम्स फॉलो द कर्विंग पाथ्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. Dr. Penrose proved that if too much mass accumulated in a too small a place, collapse into a black hole was inevitable. At the boundary of a black hole called the event horizon, one would have to go faster than the speed of light to escape it. अगर आप light की speed से जल्दी speed से अगर आप नहीं जाओगे, light से ज़्यादा speed से अगर आप travel नहीं करोगे, तो यू विल एंटर दैट ब्लैक होल. और उस ब्लैक होल के उस साइड क्या है, नोबडी नोज. तो अगर आपको ब्लैक होल को अगर एस्केप करना है, तो यू हैव टू ट्रैवल मोर देन द स्पीड ऑफ द लाइट टू एस्केप द ब्लैक होल, विच इज इम्पॉसिबल. एट द सेंटर ऑफ ब्लैक होल वेर द डेंसिटी बिकेम इनफाइनाइट, द लॉज ऑफ फिजिक्स वुड नो लॉन्गर अप्लाई. एंड सी, ऑल दोज आर प्रेडिक्शंस, जो इतने 100 सालों की हमारी जो रिसर्च है एस्ट्रोफिजिक्स की, उसके बेस के ऊपर ये सारी फिजिक्स की थियरीज हमने बना के रखी है. हो सकता है कि उससे उल्टी चीजें भी वहां पे हो, बट दीज आर दी प्रेडिक्शंस दैट आवर साइंटिस्ट हैव मेड. सो दिस इज दी 50% नोबेल प्राइज. नेक्स्ट इज गेंजेल एंड गेज रिसीव्ड द सेकेंड हाफ ऑफ द प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मेसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, एंड उसको नाम दिया गया है सेजिटेरियस ए स्टार. राइट, तो वो जो ब्लैक होल है उसको नाम दिया गया है सेजिटेरियस ए स्टार. इट हैज अ मास 4 मिलियन टाइम्स दैट ऑफ द सन. सूरज से उसका जो वजन है, जो मास है, वो 4 मिलियन टाइम्स है.
एंड इज कॉन्फाइंड टू एन एरिया रफली द साइज ऑफ अवर सोलर सिस्टम बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, राइट? Sagittarius A star is the second black hole whose photographs have been captured by the Event Horizon Telescope project. It is yet to be released. तो जब वो ब्लैक होल के फोटोज आएंगे देन वी विल बी एबल टू सी दोज फोटोग्राफ्स. ओके, नाउ अगेन द फन फैक्ट जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डॉक्टर गेज इज एंड्रिया गेज फ्रॉम USA इज ओनली द फोर्थ वुमन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स टिल नाउ, फॉलोइंग मैरी क्यूरी, मैडम मैरी क्यूरी इन 1903 फॉर रेडियो एक्टिव materials, Maria Geo Patmeyer in 1963 and Donna Strickland in 2018. तो अब तक सिर्फ चार महिलाओं को भौतिक शास्त्र के फील्ड में नोबल पुरस्कार दिया गया है. The third category is chemistry. Already हम medicine and psychology को देख चुके, then physics को देख चुके, now केमिस्ट्री रसायन शास्त्र. सो रिसेंटली इमैन्युअल कारपेंटियर ऑफ फ्रांस, नेशनैलिटी है फ्रांस, इमैन्युअल कारपेंटियर एंड जेनिफर डॉडना फ्रॉम दी USA. तो ये दोनों ही महिला है एंड दिस इज दी वुमन ओनली टीम. तो ये भी पहली बार हुआ है कि किसी वुमन ओनली टीम को केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया हो. सो रिसेंटली इमैन्युअल कारपेंटियर ऑफ फ्रांस एंड जेनिफर डॉडना ऑफ USA हैव बीन अवॉर्डेड दी 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर डेवलपिंग CRISPR Cas9 जेनेटिक सीजर्स, वन ऑफ द जीन टेक्नोलॉजीज शार्पेस्ट टूल्स. इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम नोबेल साइंस प्राइज हैज गॉन टू अ वुमन ओनली टीम. ओके ना, बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज में आपको समझा दूं मैं कि इनको क्यों केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया है, तो वी ऑलरेडी नो कि हम सब, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमंस हो या छोटा या बड़ा इंसेक्ट हो, उनका जो बेसिक जो यूनिट है दैट इज अ DNA. एवरी सेल इज मेडअप ऑफ DNA. अब वो DNA में मान लीजिए कोई खराबी हो गई, फॉर एन एग्जाम्पल लेट से ये चीज़ें तो हमें पता है कि सम थिंग्स आर हेरिडेटरी. जैसे कि अगर आपके घर में आपके पापा को अगर चश्मा है या मम्मी को चश्मा है तो आपको या आपके सिबलिंग्स को चश्मे आ सकते हैं, चाहे आप कितनी भी केयर कर लो. अगर हेयर फॉल का इशू है और गंजेपन का अगर इशू है आपकी फैमिली में तो दैट इज ऑल्सो हेरिडिटरी. डायबिटीज इज ऑल्सो हेरिडिटरी इन सम केसेस. सो स्किन डिजीज इज ऑल्सो हेरिडिटरी इन सम केसेस. तो क्यों, क्या रिलेशन है कि उनके बॉडी का डिजीज आपके बॉडी में आ गया? बिकॉज जो DNA है वो 30% 40% या 50% आपके बॉडी में आपके मम्मी या पापा के DNA होंगे एंड दैट्स वाई यू लुक लाइक देम. आपकी हाइट, आपका वॉइस, आपकी बॉडी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देम. आपके मम्मी और पापा के DNA का मिक्सचर हो आप, राइट? नाउ आप सबको पता है कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए थे एंड आज तक हम स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि आज तक वहाँ पे जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके कई बार उंगलियां नहीं होती, नाखून नहीं होते, आंखें नहीं होती, कान नहीं होती, या देर आर मल्टीपल ऑर्गन्स मिसिंग. क्यों? काफ़ी साल हो चुके उसको तो न्यूक्लियर हमला किए हुए, तो क्यों आज तक वो डिजीज़ वहाँ पे है? क्योंकि जब जो वहाँ पे वो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ तो उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि उसने आपके बॉडी में एंटर करके आपके DNA को डायरेक्ट अटैक किया और आपका DNA इतनी बुरी तरह से डैमेज हो गया कि वो अब तक जो पूरी DNA की चेन है वो अब तक हेल्दी नहीं हो पाई है. तो हो सकता है और आने वाले 100 साल तक वहाँ पे बच्चे वैसे ही पैदा हो, राइट? तो उसका सल्यूशन इन लोगों ने ढूंढ निकाला है. घर में आप सीजर्स किस लिए इस्तेमाल करते हो? कुछ काटने के लिए. तो इन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली है एज ऑफ नाउ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि अगर ऐसे जो फॉल्टी या डैमेज्ड DNA है, पूरी जो DNA की चेन हमने देखी है, CID हम सबने देखा है, राइट? तो वो उस DNA की चेन में
अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ चलो यहाँ का जो हिस्सा है, जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट होती है, कैंसर का जो हिस्सा, जो बिगड़ा हुआ, जो सड़ा हुआ हिस्सा है आपके बॉडी का, उसको काट कर फेंक दिया जाता है ताकि वो और हेल्दी ऑर्गन्स को डैमेज ना करे, हेल्दी सेल्स को डैमेज ना करे। तो सेम चीज़ माइक्रो लेवल पे डीएनए के साथ होगी। जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ चलो इतना माइक्रो सेंटीमीटर या इतने माइक्रोमीटर का जो हिस्सा है वो डैमेज्ड है या अनहेल्दी है, तो मैं क्या करूँगा, सीजर लेके वो मैंने उसको काट दिया, और बाकी की जो डीए हेल्दी डीएनए की चेन्स को मैंने क्या कर दिया, सी दिया, जोड़ दिया। इससे क्या होगा, जो डिजीज था वो वहीं पे खत्म हो गया। नाउ इट विल नॉट पास ऑन टू माई नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो दिस इज द एक्चुअल समरी ऑफ दिस डिस्कवरी। सो द सीआरआई एसपीआर कैस9 जेनेटिक सीजर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज दी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विथ एक्सट्रीमली हाई प्रेसिशन। ज्यादा से ज्यादा प्रेसिशन के साथ आप उसको एडिट कर सकते हो डीएनए को, और डीएनए को एडिट करना इज दी अगेन नेक्स्ट लेवल थिंग। दी सी आर आई एस पी आर कैस9 टूल हैज ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सिग्निफिकेंट गेन्स इन क्रॉप रेजिलियंस, ऑल्टरिंग देयर जेनेटिक कोड टू बेटर विथस्टैंड ड्रॉट एंड पेस्ट्स। दीज टेक्नोलॉजी हैज़ हैड अ रिवॉल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन द लाइफ साइंसेस एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू न्यू कैंसर थेरापीज। कैंसर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, राइट? नाउ आपको सवाल होना चाहिए कि क्यों कैंसर की थेरेपी में ये काम करेगा। बिकॉज पिछले कुछ सालों की रिसर्च ये बता रही है कि कैंसर, कुछ कुछ कैंसर, सारे नहीं, कुछ कुछ कैंसर भी हेरिडिटरी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। अगर किसी महिला को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो क्योर भी क्यों ना हो चुका हो, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है इन द एंटायर लाइफ स्पान। एंड दैट्स वाई इट इज एडवाइजेबल फॉर ईच एंड एवरी वुमन टू पीरियोडिकली एग्जामिन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन 13th of October, तो आज उसी के लिए अवेयरनेस डे है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए। बिकॉज इंडिया में 1 woman out of 18 women डाइज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, एंड दैट इज़ ए ह्यूज नंबर। जब हमारे पास फैसिलिटी है वो क्योर हो सकते हैं, तो क्यों उसका इस्तेमाल ना किया जा सके, राइट? सो दिस टेक्नोलॉजी हैज हैड अ रिवॉल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन द लाइफ साइंसेज एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू न्यू कैंसर थेरेपीज। इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ क्योरिंग इनहेरिटेड डिजीजेस। तो जो भी इनहेरिटेड डिजीज है उसको क्योर करने की क्षमता इस डिस्कवरी में है। ओके, सो दिस इज द वुमन ओनली टीम ऑफ केमिस्ट्री नोबेल प्राइज, इमैनुअल कार्पेंटियर फ्रॉम फ्रांस एंड जेनिफर डोडुना फ्रॉम द यूएसए। डिस्कवरी क्या है? सो कार्पेंटियर वाइल स्टडिंग दी स्ट्रिपोकोकस प्योजिन्स, अ हार्मफुल बैक्टेरियम, डिस्कवर्ड अ प्रीवियसली अननोन मॉलिक्यूल ट्रेसर आरएनए। और इस ट्रेसर आरएनए को फिर उन्होंने लिंक किया कि किस तरीके से प्रिसिशन के साथ उसको लोकेट किया जाएगा, पूरी जो डीएनए की चेन है उसमें से कौन सा फॉल्टी पार्ट है उसको लोकेट किया जाएगा, एंड देन उसको सीजर से काट दिया जाएगा, एंड देन उस डिजीज को वहीं पे रोक दिया जाएगा, राइट? अब ये जब मैं इतना बोल रहा हूँ, उतना आसान ये प्रोसेस नहीं है, बट हमारे समझने के लिए फॉर प्रिलिम पर्पज इट इज मोर देन इनफ, राइट? सो दीज आर दी मोर डिटेल्स। ट्रांस आरएनए इज प्रोग्राम्ड टू लोकेट द पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस ऑन द डीएनए स्ट्रैंड, एंड अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कैस9, ऑल्सो नोन एज अ जेनेटिक सीजर, इज यूज टू ब्रेक एंड रिमूव द प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस। ओके, एंड दिस इज अबाउट सी आर आई एस पी आर टेक्नोलॉजी, जिसको पहली बार 2012 के अराउंड इसको लॉन्च किया गया था, और तब से अलग अलग रिसर्च इसके ऊपर चल रहे हैं जो कि आने वाले सालों में हमें काफ़ी काम आ सकते हैं मेडिकल पर्पजेस के लिए। चौथी कैटेगरी है हमारे लिए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, काफ़ी आसान सी कैटेगरी है। सो द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 हैज़ बिन अवॉर्डेड टू द यूएसए पोएट लुइस ग्लूक। देखिए, एक पोएटेस है जिनको इस बार का लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विथ
ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। तो उन्होंने एक पोएट्री लिखी थी और उसमें उन्होंने जो लाइफ स्पैन के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस शी हैज़ डिस्क्राइब्ड इन हर ओन वे, इन हर ओन वर्ड्स, एंड इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, एंड दैट्स वाई लिटरेचर का नोबेल प्राइज उनको दिया गया है। अगेन द नेशनैलिटी इज USA। सो ग्लूक, बॉर्न इन 1943 न्यूयॉर्क, लिव्स इन मैसेच्यूएट्स एंड इज ऑल्सो प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट येल यूनिवर्सिटी। येल इज़ अ वेल नोन यूनिवर्सिटी, यू ऑल मस्ट नो दिस। हर पोएट्री फोकसिस ऑन द पेनफुल रियालिटी ऑफ बींग ह्यूमन, डीलिंग विथ थीम्स सच एज डेथ, चाइल्डहुड एंड फैमिली लाइफ। शी इज़ द फोर्थ वुमन टू विन द प्राइज फॉर लिटरेचर सिंस 2010 एंड द ओनली द 16th सिंस द नोबेल प्राइज वर फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। तो देखिए 120 साल हो गए, उसमें से सिर्फ 16 बार किसी महिला को लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है। अगेन द जेंडर डिस्पेरिटी इज विजिबल हियर। ओके, द लास्ट अमेरिकन टू विन वॉज बॉब डिलन इन 2016। ग्लूक ऑल्सो वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1993। सो पुलित्जर इज द लाइक नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो वो भी ऑलरेडी उनको मिल चुका है फॉर हर कलेक्शन द वाइल्ड आयरिस एंड द नेशनल बुक अवार्ड इन 2014। तो वो काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड ऑलरेडी पा चुके हैं, जो बाकी था वो कमी पूरी कर दी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 ने। फिफ्थ कैटेगरी फॉर अस इज नोबेल प्राइज फॉर पीस 2020। ओके, अब ये जो कैटेगरी है वो पर्टिकुलरली किसी इंडिविजुअल को भी ये अवार्ड दिया जा सकता है या किसी एजेंसी या किसी संस्था को भी ये अवार्ड दिया जा सकता है, और इस बार किसी संस्था को ही ये अवार्ड दिया गया है। सो द 2020 नोबेल पीस प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी फॉर इट्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट हंगर, बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज एंड प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। सो बेसिकली UN की एक एजेंसी है जिसको मिड 60s में एस्टैब्लिश किया गया, बनाया गया, और तब से लेकर आज तक हंगर को कैसे इरेडिकेट किया जा सके, पॉवर्टी को कैसे कम किया जा सके, उसके लिए ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काम कर रहा है, बेसिकली इन अफ्रीकन रीजियन, मिडल ईस्ट रीजियन, जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट चलता रहता है। इवन इन इंडिया रिसेंटली WFP हैज साइंड एन MOU विद UP गवर्नमेंट कि स्कूलों में किस तरह से हंगर इरेडिकेट के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। तो इंडिया में भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 बाई द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड बिकेम अ फुल फ्लेज्ड UN प्रोग्राम इन 1965। हेडक्वार्टर रोम इटली में है इसका। क्यों दिया गया है? सो इट हैज़ बीन इरेडिकेटिंग हंगर। इरेडिकेटिंग का मतलब है कम करना। इरेडिकेटिंग हंगर इज वन ऑफ द UN's सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 2, दैट इज जीरो हंगर, टू बी अचीव्ड बाय 2030, विच इज अनलाइकली टू बी अचीव्ड ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। एंड WFP इज द यूनाइटेड नेशंस प्राइमरी एजेंसी दैट वर्क्स टूवर्ड्स दिस गोल। सो करेंटली इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी कॉम्बेटिंग हंगर। इन 2019 इट असिस्टेड 97 मिलियन पीपल, द लार्जेस्ट नंबर सिंस 2012 इन ऑलमोस्ट 88 कंट्रीज। द सेम ईयर इट डिलीवर्ड अबाउट 4.4 मिलियन टन्स ऑफ फूड, परचेस्ड 1.7 बिलियन US डॉलर वर्थ ऑफ फूड फ्रॉम 91 कंट्रीज एंड 762 मिलियन US डॉलर वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम 156 कंट्रीज। तो देखिए लोकल इकोनॉमी को, लोकल जो ट्रेडर जो ये सामान WFP को बेच रहा होगा उसको भी इससे हेल्प मिल रही है। सो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी इनडायरेक्टली WFP वहाँ पे काम कर रहा है, राइट? एंड द लास्ट कैटेगरी, द सिक्स्थ कैटेगरी इज द स्वेरिगेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस 2020। अब देखिए इसका नाम, बाकी के अगर आप आगे के स्लाइड्स देखोगे, आगे की कैटेगरीज देखोगे, तो इट वॉज सिंपल द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, द नोबेल प्राइज इन XYZ। बट इसका नाम द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 2020 नहीं है, दो इट इज कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नोबेल प्राइज ओनली। इसको नोबेल प्राइज ही माना जाएगा, बट जस्ट अ नेम इज डिफरेंट। क्यों
क्योंकि 1901 में जब नोबेल प्राइज देना स्टार्ट किया गया तब इकोनॉमिक साइंसेस नाम की कोई कैटेगरी नहीं थी, उसको जोड़ा गया इन 1968। 1965 में कमिटी बनाई गई और उसने पहला अवार्ड दिया इन 1968। तो 1968 से द स्वेरिगेज रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इसी नाम से दिया जा रहा है, एंड दैट इज द कमिटीज नेम ऑल्सो, स्वेरिगेज रिक्स बैंक, इट इज अ एजेंसी ऑल्सो, तो उसी के नाम से ये अवार्ड दिया जाता है, बट इट इज अ नोबल प्राइज ओनली। ओके, पिछली बार अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक साइंसेस में अभिजीत बनर्जी को ये अवार्ड मिला था और उनकी वाइफ को एस्थर डफलो को ही अवार्ड मिला था। सो ये इस बार जो का जो इकोनॉमिक साइंस का अवार्ड है वो दिया गया है पॉल मिलग्रॉम फॉर यूएसए एंड रॉबर्ट विल्सन। तो दोनों ही यूएसए से है, नाम क्या है, पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन। अब सीधी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता दूं तो इन लोगों ने ऑक्शन सिस्टम जो होता है, ऑक्शन सिस्टम में काफ़ी नए नए सुझाव दिए, काफ़ी नए नए रिकमेंडेशन दिए, और उसकी वजह से जो बायर्स सेलर्स और जो टैक्स पेयर्स है थ्रू दैट ऑक्शंस, उनको काफ़ी फायदा हुआ अक्रॉस दी कंट्रीज, अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो उसकी वजह से ये अवार्ड उनको दिया गया है, पॉल मिलग्रोम एंड रॉबर्ट विल्सन। सो दिस इज दी एंटायर थियरी वी हैव कवर्ड फॉर नोबेल प्राइजेस। 6 कैटेगरीज हो गई। नाउ व्हाट इज होमवर्क फॉर यू, दैट आपको इंडिया में से अब तक फ्रॉम 1901 टिल 2020 2020 तक किसको नोबेल प्राइज मिल चुका है इंडिया में से, या इंडियन ओरिजिन्स के कौन लोग थे जिनको ये अवार्ड मिल चुका है वो आपको पता करना है। एक उसका टेबल बना लीजिए, हु वर द यंगेस्ट नोबल ल्यूरेट, हु इज़ द ओल्डेस्ट नोबल ल्यूरेट, हु इज़ द हाईएस्ट नोबल रेसिपेंट कंट्री, ये सारी चीज़ें जो बेसिक से क्वेश्चन है वो आपको याद होने चाहिए, उसके आंसर आपके पास होने चाहिए। सो दैट इज़ फॉर योर सेल्फ स्टडी। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ एनी डाउट इज देयर जस्ट लेट मी नो, वी विल कवर दैट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल और फार्मिंग, एंड दैट इज कस्तूरी कॉटन ब्रांड। तो जैसे आपने देखा है ना, शर्ट के पीछे लेबल लगे होते हैं कि इस लेबल से आपका ये शर्ट बना है या इस ब्रांड से आपका ये कपड़ा बना है, तो उसी तरीके से गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने कस्तूरी कॉटन करके एक ब्रांड नेम को लॉन्च किया है और उसका लोगो दे दिया है, दिस इज़ द लोगो ऑफ ब्रांड कस्तूरी कॉटन इंडिया। क्यों? ताकि इंडिया में जो कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है उसको इस ब्रांड नेम के अंदर विदेशी मार्केट में बेचा जा सके, उसकी जो क्वालिटी है उसको सुधारा जा सके, और अगर डिसाइडेड प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर वो क्वालिटी होगी कॉटन की तो उसको कस्तूरी कॉटन ब्रांड के अंदर उसको प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। ओके, सो यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स अनवेल्ड अ ब्रांड एंड अ लोगो फॉर इंडियन कॉटन रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे ऑन 7th ऑफ अक्टूबर। तो 7th अक्टूबर को आपका वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। The branding, which is Kasturi cotton, would initially be applicable to long staple cotton that is grown in India and meets the prescribed standards. Okay, तो ये नया ब्रांड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि कॉटन मार्केट जो है, अब देखिए क्यों कॉटन पे इतना जोर दिया जा रहा है वो आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा कि कॉटन इज दी मेजर पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दैट्स वाई उसके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। सो वर्ल्ड कॉटन डे जो कि 7th अक्टूबर को मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है? सो वो 2019 से मनाया जा रहा है बाई द इनिशिएटिव ऑफ कॉटन फोर, विच इज बेनिन, बुर्किना फासो, चैड एंड माली। तो इन 4 कंट्रीज ने इनिशिएटिव दिया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने के सारे कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट किया है और इसी वजह से वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। थीम फॉर वर्ल्ड कॉटन डे क्या थी 2020 की? द कॉटन द फाइबर दैट मूव्स मी। ओके, कॉटन देखिए इंडियंस के लिए कॉटन कोई नई चीज़ नहीं है। फॉर अस कॉटन के कपड़े इज अ गो टू क्लोथ्स, यू कैन वेयर इट इन यू नो एवरी सीजन, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, कॉटन के कपड़े आपको हर समय पहनने के लिए रिकमेंड
किया जाएगा। क्यों? बिकॉज इंडिया का जो क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी भरा क्लाइमेट है, तो उसकी वजह से पसीना काफ़ी होगा, तो कॉटन विल एब्जॉर्ब दिस स्वेट और उसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, एंड दैट्स वाई आपको कॉटन के कपड़े पहनने को रेकमेंड किया जाता है अगर आपको स्किन डिजीज भी है। ओके, तो डॉक्टर आपको ये एडवाइस करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन के कपड़े पहनिए। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी मच फ्लेक्सीबल विथ योर स्किन एंड स्पेशली इन द वेदर लाइक इंडिया। और ये जो आपको संस्थाएं दिख रही है, FAO, UNCTAD, ITC एंड ICAC, ये चारों संस्थाएं मिलके वर्ल्ड कॉटन डे का जो मैनेजमेंट है वो संभालती है। क्यों कॉटन इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इट ऑक्यूपाइज 2.1% ऑफ द वर्ल्ड्स एरेबल लैंड एंड मीट्स 27% ऑफ द वर्ल्ड्स टेक्सटाइल्स नीड। देखिए, 1/4 से ज़्यादा जो नीड है टेक्सटाइल की उसको पूरा करता है सिर्फ और सिर्फ कौन? कॉटन। सो खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर 6 to 8 months टू मच्योर, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप आइडियल फॉर एरिड क्लाइमेट्स, एंड दैट्स वाई इंडिया में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सारे जो ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स हैं, यूजुअली यहाँ पे बारिश कम होती है, तो यहाँ पे आपको कॉटन की फार्मिंग होती हुई ज़्यादा दिखे। एंड गुजरात इज़ दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 to 30%, विच इज़ दी ऑलमोस्ट द टेम्परेचर ड्यूरिंग ऑल द सीजन्स। रेनफॉल अराउंड 50 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप रेगुलर सॉइल। प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेंगे? तो फाइबर बनेगा, ऑयल बनेगा, और कॉटन सीड ऑयल जिसे आप सुपरमार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा, एंड देन एनिमल फीड। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज चाइना, इंडिया एंड USA। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, सो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कम्स फ्रॉम गुजरात, एंड एज ऑफ नाउ देर आर 4 species ऑफ कॉटन आर बींग फार्म्ड। दोज आर जी आर्बोरियम, जी हर्बेशियम, जी हिर्स्टुअम एंड जी बारबाडेंस। तो ये 4 किस्म के कॉटन आजकल उगाए जा रहे हैं अलॉन्ग विथ दी बीटी कॉटन, जो कि जेनेटिक कॉटन है। उसके डीएनए में, जैसे कि हमने देखा आगे की स्लाइड्स में, डीएनए में चेंजेस करके उसके डीएनए को एडिट करके क्रॉप उगाए जाएंगे, ताकि उसकी जो रेजिस्टिविटी है थ्रू दी ड्रॉट, उसको क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। और कॉटन इन इंडिया, ओके, सो वी ऑलरेडी नो दैट वी लव कॉटन, सो दिस इज़ दी एक्स्ट्रा स्टफ फॉर यू गाइस। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1। सो रिसेंटली दी DRDO हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1। अब देखिए, ये कुछ अलग है एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रेडिएशन सिग्नल अगर थ्रो कर रहा है इंडियन एयर स्पेस में, तो तुरंत उसको पता चल जाएगा और वो सोर्स को ख़त्म कर देगी ये मिसाइल। सो दिस इज बेसिकली एयर टू लैंड काइंड ऑफ मिसाइल। इसको किसी फाइटर जेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर उसको एयर से ड्रॉप किया जाएगा टूवर्ड्स दी सोर्स। सो एम क्या था इसका? सो दीज आर डिजाइंड टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज दी एडवर्सरीज रडार कम्युनिकेशन असेट्स एंड अदर रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज विच आर जनरली पार्ट ऑफ देयर एयर डिफेंस सिस्टम। तो अगर आपने उरी पिक्चर देखी, उरी फिल्म इफ यू हैव सीन, सो इफ यू रिमेंबर व्हेन इंडियन हेलीकॉप्टर्स एंटर्स द पाकिस्तान एयर स्पेस, सो दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट विथ द एयर स्टेशन इन दिल्ली, विच इज लोकेटेड इन दिल्ली। वाई सो? इतने पावरफुल एंटेना और वॉकी टॉकीज लेके गए थे वो लोग, बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ प्लेस्ड अ जामिंग एंटेनाज और जैमिंग सिग्नल्स और जैमिंग स्टेशंस अक्रॉस द बॉर्डर लाइन्स। क्यों? ताकि बॉर्डर के नज़दीक के एरिया में कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए, ना आपका इंटरनेट काम करेगा, ना आपका मोबाइल सर्विस काम करेगा, और जब मोबाइल सर्विस या इंटरनेट काम नहीं करेगा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर टेररिस्ट और XYZ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू कम्युनिकेट।
तो अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हर कंट्री ये जैमिंग स्टेशन लगाएगा। ओके, अब होगा क्या कि हो सकता है कि पाकिस्तान के जो जैमिंग सिग्नल है वो कभी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ क्लैश हो रहे, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रांग है कि वो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब ये तो गलत चीज़ हो गई, राइट? तो ऐसे सोर्सेस को ख़त्म कर दिया जाएगा ढूंढ के। तो ये मिसाइल क्या करेगा, उनको ट्रैक भी करेगा, उनको डिटेक्ट भी करेगा और उनको डिस्ट्रॉय भी करेगा। सो दिस कैन लोकेट एंड टारगेट एनी रेडिएशन एमिटिंग सोर्स, दिस कैन प्ले अ की रोल इन न्यूट्रलाइजिंग एनी जैमिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफ द एनिमी और टेक आउट रडार स्टेशंस, देयर बाय क्लियरिंग अ पाथ ऑफ फॉर ओन फाइटर्स टू कैरी आउट एन ऑफेंसिव एंड ऑल्सो प्रिवेंट ओन सिस्टम्स फ्रॉम बींग जैम्ड। कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? सो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होगा उसमें, और पैसिव होमिंग हेड फॉर गाइडेंस भी होगा, विच इज अ सिस्टम दैट कैन डिटेक्ट क्लासीफाई एंड एंगेज टारगेट्स ओवर अ वाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज एज प्रोग्राम्ड। तो एटमोसफेयर में तो देर आर एक्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्लोटिंग, तो उसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसीज हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में जैम कर रही है हमारी फ्रीक्वेंसी को, उसको वो डिटेक्ट करेगा और वो सोर्स को वो डिस्ट्रॉय कर पाएगा। डेवलपमेंट एंड टेस्ट, सो इट इज़ एयर टू सरफेस मिसाइल, देर आर मल्टीपल काइंड, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, राइट? तो बेस्ड ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ दैट मिसाइल और बेस्ड ऑन दी लॉन्चिंग ऑफ दैट मिसाइल, दिस कैटेगरी हैज़ बीन ड्रॉन। सो इट इज़ एन एयर टू सरफेस मिसाइल डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई DRDO इंडिजीनियसली, कोई फॉरेन हेल्प यहाँ पे नहीं ली गई है, विच इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस अगेन। DRDO कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑल्सो कॉल्ड द रुद्रम 1 एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन बालासोर ओडिशा। तो ज़्यादातर जो टेस्टिंग है वो ओडिशा में ही होता है, ओडिशा के कोस्ट पे। रुद्रम 1 इज़ दी फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल ऑफ द कंट्री। कैपेबिलिटी ऑलरेडी हमने बता दी, वंस द मिसाइल लॉक्स ऑन द टारगेट इट इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग एक्यूरेटली इवन इफ द रेडिएशन सोर्स स्विचेज ऑफ इन बिटवीन। तो अगर बीच में वो राउटर अगर सिग्नल फेंकना बंद भी कर देगा तो भी जाके वो सोर्स को वो क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, राइट? एक बार अगर उसने उसको डिटेक्ट कर लिया और अगर उसको एक बार लॉन्च कर दिया गया तो वो जाके उसको डिस्ट्रॉय करके ही दम लेगा। द मिसाइल इंटीग्रेटेड विथ SU-30 MKI एयरक्राफ्ट हैज़ अ केपेबिलिटी ऑफ वेरिंग रेंजेस बेस्ड ऑन द लॉन्च कंडीशंस। इट कैन बी अडेप्टेड फॉर लॉन्च फ्रॉम अदर फाइटर जेट्स टू, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 500 मीटर टू 15 किलोमीटर एंड स्पीड्स ऑफ 0.2 to 2 Mach। ओके, इसके बारे में ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि किस तरह से ये स्पीड नापी जाती है मिसाइल्स की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी। सो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी हाल ही में, उन्होंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को अनचेंज्ड रहने दिया है। दे हैव नॉट चेंज्ड द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ऑल अदर इकोनॉमिक रेशियोज। वाई? बिकॉज देर इज़ अ हाई इन्फ्लेशन इन द कंट्री एज ऑफ नाउ ड्यू टू पेंडेमिक। सो दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द कमिंग फ्लो इन द इकोनॉमी, तो दैट्स वाई उसको छुआ नहीं गया है। सो द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ इट्स अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ दिस ईयर एज वेल एज 2021 एंड 2022 एंड फोरकास्टेड अ GDP रिवाइवल इन कमिंग मंथ्स। RBI हैड प्रीवियसली इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ मेजर्स इन इट्स मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट फॉर डीलिंग विद द COVID-19 इंड्यूस्ड इकोनॉमिक सेटबैक। सो दिस इज इकोनॉमिक सेटबैक। तो पता ही हमें कि सारे कंट्रीज की इकोनॉमीज जो है अलॉन्ग विद ग्लोबल इकोनॉमी पूरी श्रिंक हो चुकी है। हमारी इकोनॉमी -23.9 पे जाके पहुंच चुकी है। तो आने वाले महीनों में जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है तो वो धीरे धीरे वापस पॉजिटिव की तरफ जाती जाएगी और बाई 2022 वी विल बी अगेन ऑन दी ग्रोइंग ट्रेजेक्टरी। सो 2021 एक डेढ़ साल लगेगा हमें रिवाइव करने में। आफ्टर दैट अवर इकोनॉमी विल स्टार्ट गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ एंड वी विल
गो इनटू द डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ। तो हमारा जीडीपी जो होगा वो 2022-23 में इट इज़ प्रेडिक्टेड कि वो डबल डिजिट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ सेटबैक, और सेटबैक के बाद वी हैव मल्टीपल स्कीम्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी विल बी हैविंग मल्टीपल हेल्प्स फ्रॉम द इंटरनेशनल एजेंसीज फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कि हमारी इकोनॉमी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा वो काफ़ी रैपिडली ग्रो करेगा और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, जो पिछले 40 सालों में नहीं किया होगा उस तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा। दिस इज़ द प्रेडिक्शन एज ऑफ नाउ। ओके, सो आरबीआई हैज केप्ट दिस पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड टू रिवाइव ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड मिटिगेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। द रेपो रेट हैज़ बिन केप्ट एट 4%, विच इज़ अनचेंज्ड। सो पिछले काफ़ी महीनों से वो 4% पे ही है। रिवर्स रेपो रेट रखा गया है 3.35%, जो भी पिछले काफ़ी महीनों से वही है रिस्पेक्टिवली, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, रिस्क वेट्स, कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी सेट असाइड ऑन इंडिविजुअल होम लोन्स हैव बीन रिलैक्स्ड एंड द लोन लिमिट फॉर रिटेल एंड स्मॉल बिजनेसेस बोरोअर्स हैव बीन रेज्ड। दिस वुड गिव अ बूस्ट टू द जॉब इंटेंसिव रियल एस्टेट सेक्टर दैट हैज़ बीन सफरिंग इन द पेंडेमिक। तो जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव नहीं किया जाएगा तब तक इकोनॉमी विल नॉट कम टू द राइट डिरेक्शन। एंड दैट्स वाई MSME को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, सबसे ज़्यादा MSME सेक्टर को उसमें से पैसा दिया जाएगा आने वाले साल में। क्यों? क्योंकि MSME जो आपके स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज है, बिजनेस है, वो स्टार्ट होंगे तो लोगों को जॉब्स मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा दो, वो पैसा वो लिक्विडेट करेंगे मार्केट में, लिक्विडेट करेंगे तो आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे चलने लगेगी। दिस इज़ द एंटायर साइकिल। ऑल्सो वन थिंग टू नोट हियर फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट विल बी अवेलेबल राउंड द क्लॉक। सो एज फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज RTGS? सो इट इज़ वन काइंड ऑफ ऑनलाइन मनी ट्रांसफर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाई ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स। सो RTGS एज ऑफ नाउ बैंकिंग आवर्स में ही वो फैसिलिटी होती थी। ओके, अगर आप रात को 8 बजे RTGS नहीं कर सकते थे, आपको नेक्स्ट वर्किंग डे का वेट करना पड़ता था। सो फ्रॉम दिस डिसम्बर मॉनिटरी कमिटी हैज़ डिसाइडेड दैट RTGS विल बी नाउ राउंड द क्लॉक 24x7। IMPS एंड NEFT ऑलरेडी उसको 24x7 कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म किया जाएगा, साथ साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन। नाउ ओपन मार्केट ऑपरेशन इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट ऑपरेशन ट्विस्ट, जो कि RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा बेचेगा साइमल्टेनियसली, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन आने वाले टाइम में परफॉर्म किए जाएंगे ताकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो और गवर्नमेंट वो पैसा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा सके और रियल एस्टेट सेक्टर में लगा सके। दीज टू आर दी मोस्ट हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर्स, तो उसको एक बार रिवाइव कर दिया जाएगा, बाकी के सेक्टर्स डिपेंडेंटली ग्रेजुअली उसके ऊपर से रिवाइव होते जाएंगे। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज़ वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स विच इज़ एम्प्लॉयड बाई द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद फरोख्त है वो की जाएगी। OMOs are conducted by the RBI by way of sale or purchase of government securities G-Secs to adjust money supply conditions. The central bank sells government securities to commercial banks to remove liquidity from the system and buys back G government securities to infuse liquidity into the system. As simple as that. We have already learnt this in very 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 detail. Agar abhi bhi koi doubt hai, you can reach out to me anytime and we will discuss it again. सो देखिए 21 में वी आर एट 23.9, आफ्टर दैट -9.8, फिर धीरे धीरे हम पॉजिटिव की तरफ जाते जाएंगे एंड बाई 2022 क्वार्टर वन इट इज़
अज्यूम्ड कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ होगा इट विल रीच टू 20.6%, ओके, जो कि पिछले सालों में कभी नहीं रहा. वी हैव बीन ऑलवेज प्लेइंग इन सिंगल डिजिट्स ओनली, बट नाउ क्योंकि एक बड़ा सा पुशबैक हमें मिल गया है, आत्मनिर्भर आएगा, मेक इन इंडिया आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि चाइना से काफ़ी सारी कंपनीज अब इंडिया जैसे कंट्रीज में आ रही है, तो उन सारी चीज़ों का फायदा हमें यहाँ होता हुआ दिखेगा बाई 2022. एंड दिस इज द अगेन द रिविजन टॉपिक, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, 6 लोगों की कमेटी होगी, क्या कोरम होगा, 3 लोग गवर्नमेंट से होंगे, 3 लोग आरबीआई से होंगे, फाइनल वोट किसका होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है. आपको बाय नाउ यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज एंड ऑल दी स्टेचुटरी एजेंसीज जो कि बाद में ऐड की गई है. जैसे जैसे टॉपिक के साथ अगर आ रहा है तो हम उसको रिवाइज कर ही रहे हैं, बट देर शुड बी सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो कि चलो अगर ये कोई टॉपिक नया है उसको मैं कौन से टॉपिक के साथ लिंक कर सकता हूँ, सो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू ओनली इन योर एग्जामिनेशन. ओके, एंड दिस इज रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऑलरेडी द बेसिक इकोनॉमिक स्टफ दैट यू मस्ट नो, एंड दीज आर योर होमवर्क टॉपिक्स. फर्स्ट इज बैंक मनी ट्रांसफर मोड्स, IMPS, NEFT, RTGS, फुल फॉर्म क्या है, कब वो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में लाए गए, ऑल दोज डिटेल्स यू नीड टू नो. सेकेंड वन इज किर्गिस्तान पोलिटिकल अनरेस्ट इफेक्ट ऑन इंडिया, वाई इट इज़ अफेक्टिंग इंडिया, बिकॉज किर्गिस्तान और इंडिया SCO में साथ साथ को मेम्बर्स है, तो एक बार पूरा SCO भी आपको पढ़ना है, और किर्गिस्तान में क्या पोलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है उसका इंडिया पे क्या अफेक्ट होगा वो आपको पढ़ना है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी. थर्ड वन इज भारतमाला परियोजना, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सागरमाला परियोजना. सागरमाला परियोजना के साथ मैंने आपको पिछली बार भी ये चीज़ बताई थी कि देर आर 8 बीचेज जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है. पिछली बार मैंने आपको ये बताया था कि गवर्नमेंट ने रिकमेंड किए थे, इस वीक के उसमें ये अपडेटेड न्यूज़ है कि वो 8ों 8 बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है. तो वो कौन से 8 बीच है, कौन से स्टेट के विथ नेम, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है. ओके, और पास्ट काफ़ी वीडियोस से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि देर आर कॉमन स्टूडेंट्स या रिपीटेटिव स्टूडेंट्स जो आंसर दे रहे हैं, सिर्फ वो उनकी जिम्मेदारी है, वो आंसर दे रहे हैं उसका मतलब है वो पढ़ रहे हैं, राइट. अब आपको अगर आपका 2 मिनट निकालने में लेजीनेस हो रहा है सो दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, बट माई फाइनल एम इज कि आप पढ़ो, खुद से जाके पढ़ो, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो ऑन द स्पॉट क्लियर होना चाहिए, राइट, ताकि एग्जामिनेशन में ये ना हो गया अरे यार ये तो हमने कवर किया था फिर भी मुझे नहीं आता. दैट इज द वर्स्ट थिंग, वर्स्ट फीलिंग एक्चुअली, कि यू हैव कवर्ड समथिंग, यू हैव स्टडीड समथिंग, और जो आपको एग्जामिनेशन में ना आए, सो ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए. तो मुझे आपका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपकी साइड से भी दिखना चाहिए. ओके, सो दिस 3 टॉपिक्स यू नीड टू स्टडी फ्रॉम योर सेल्फ. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.